गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। राजनीतिक विज्ञान में मैंने कल के ही क्लास में राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय प्रारंभ कर दिया था। तीसरे अध्याय का शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि तीसरे अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने कंप्लीट रूप से बता दिया था। इसके बाद मैंने आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है, विकास के मॉडल के बारे में बताया था, साम्यवादी विकास मॉडल, पूंजीवादी विकास मॉडल को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, वामपंथी विचारधारा, ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को मैं सर्वप्रथम नियोजन को समझाऊंगा, फिर योजना आयोग को समझाऊंगा, फिर हम पंचवर्षीय योजना को समझाऊंगा। आज के क्लास में मुख्य रूप से प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को योजना आयोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा और पंचवर्षीय योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे समझना अत्यधिक प्यारे बच्चों आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो आपका तीन जो देख रहे हैं, तीन का मतलब राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय, ठीक है, जिसका शीर्षक नियोजित विकास की राजनीति। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं खोला है तो प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी पेन खोल करके बैठ जाइए। मैंने कुछ पॉइंट को लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें लिख सकें, ठीक है, नोट्स आपको बना लेना है, ठीक है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। प्यारे बच्चों, शीर्षक को मैंने कल के ही क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था, इसलिए आज मैं शीर्षक को तो नहीं समझाऊंगा। खास तौर पर आज हम आएंगे नियोजन, आखिर प्यारे बच्चों आपको नियोजन क्या होता है। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर में MVVI प्रश्नों को चिन्हित किया जाएगा, सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके, उस समय गैस क्वेश्चन आपको चार्जेबल आपको होता है, निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके रिविजन भी करवाया है ना जाएगा, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र आपको 1500 रुपये फी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य रूप से जुड़ जाइए। पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, इस नंबर पर प्यारे बच्चों कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में जुड़ जाना है। देखिए प्यारे बच्चों, जीवन में एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आप जो 12th में नंबर लेकर के चले आइएगा, यह नंबर कभी भी नहीं बदलेगा। यहाँ तक कि जो नंबर आपको चले आया वह नंबर आपको बुढ़ारी तक रहेगा, ठीक है, जब बूढ़े हो जाइएगा पोता पोती पूछेगा कि दादाजी आपका कितना नंबर है 12th में, तो अच्छा नंबर नहीं आएगा तो बड़ा ख़राब लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों देखिए, 12th से समझौता नहीं करिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करिए, और यदि पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, हमारा मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों नियोजन। हालांकि मैंने नियोजन को आप सभी को कल भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, अब ये जो प्यारे बच्चों जो आपको जो नियोजन है, खास करके देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि दो महाशक्ति है पृथ्वी पर, एक तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा हो गया प्यारे बच्चों रूस हो गया। उस समय आपको सोवियत संघ आपको कहलाता था 1991 से पहले, ठीक है, हम लोग आम भाषा में रूस ही उसको बोल करके चलते हैं। तो रूस में जो विकास जो हो रहा है वह नियोजन प्रणाली के आधार पर हो रहा है। किस प्रणाली के आधार पर? तो प्यारे बच्चों, नियोजन प्रणाली के आधार पर।
भारत उस प्रणाली को देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी भारत को काफ़ी अच्छा लगा और भारत भी कहता है कि मैं भी अपने देश का विकास करूंगा तो इसी नियोजन पद्धति के अनुसार करूंगा। अब देखिएगा, जब आपको किसी दूसरे चीज़ का अच्छा लगेगा ना, तो आप भी कहिएगा कि जैसे वो करता है वैसे मैं भी करूंगा। ठीक है, तो भारत ने सोवियत संघ, जो आज का जो रूस है, ठीक है, रूस में जो आपका विकास मॉडल है, उस विकास मॉडल के तहत आपको नियोजन प्रणाली काफ़ी प्रचलित थी, उसको देख करके भारत काफ़ी प्रभावित होता है और भारत यह तय करता है कि मैं भी नियोजन के माध्यम से देश का मैं क्या करूँगा, तो मैं देश का विकास करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिरी नियोजन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि नियोजन हम किसे कहते हैं। तो देखिए, नियोजन आम भाषा में समझिए कि आपके पास जो भी साधन है, आपके पास क्या है, तो प्यारे बच्चों जो भी साधन है उस साधन को ध्यान में रखते हुए आप अपने भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाइएगा वह योजना ही नियोजन कहलाएगा। समझे नहीं समझे, आम भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए, ये आप हैं, आप हैं बहुत ज़्यादा गरीब। आप कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, एक रुपया फूटी कौड़ी नहीं है। बगल वाला पड़ोसी लड़का एक हमको पाँचों विषय का सेकेंड हैंड किताब दे दिया, फ्रेम और कुछ कॉपी है, पेन है। ठीक है, आपके पास कोचिंग जाने का पैसा नहीं है, लेकिन पड़ोसी वाला पांचों विषय का किताब दे दिया, है कि नहीं। तो आपने कहा कि ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी गरीब है, तो क्या हुआ, मेरे पास जो भी किताब है इसी किताब को पढ़ करके मैं बिहार बोर्ड में मैं क्या करूँगा, मैं बिहार बोर्ड में टॉप करूँगा। इसके लिए आपने योजना बनाया, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि मुझे बिहार में टॉप करना है। ठीक है, कि सुबह उठ करके दो घंटा पढ़ेंगे, दोपहर में दो घंटा पढ़ेंगे, दोपहर में रात में दो घंटा पढ़ेंगे, इस प्रकार के आपने क्या बनाई है, योजना। और योजना बना करके आप वास्तव में क्या हो गए, बाद में आप टॉप कर गए। तो आपके पास अब वो जब आप टॉप कर गए तो रिपोर्टर आया पूछने के लिए, बताइए आप कैसे टॉपर बन गए, आप कोई कोचिंग गए? तो आप कहिएगा कि नहीं, मेरे पास मात किताब था तो उसी को पढ़ करके मैंने क्या किया, मैंने टॉप किया। ठीक है, तो ये जो योजना जो बनाया, यही योजना वास्तविक में क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका नियोजन है। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैंने इस लाइन को लिख दिया है ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए, नियोजन आप अपने कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, वर्तमान के साधनों को ध्यान में रखते हुए, यानी वर्तमान में भारत देश के पास जो भी साधन है, ठीक है, वर्तमान के साधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना, यानी भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना। ठीक है, और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों नियोजन कहलाता है। ठीक है, यानी भविष्य में प्राप्त करने के लिए हम जो भी योजना बनाएंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको नियोजन कहेंगे। तो नियोजन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आता है कि योजना बनाना, अब ये योजना क्या होता है। ठीक है, तो योजना जो भी हम नियम बनाएंगे वही आपको क्या कहलाएगा, वही आम भाषा में कहिए आपको योजना आपको कहलाएगा। ठीक है, तो नियोजन क्या है इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब नियोजन करने के लिए हमको योजना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तो योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने आपको योजना आयोग का गठन किया। किसका गठन किया, तो योजना आयोग का, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट आपको दे दिया, योजना आयोग। अब आप लोग अपने कॉपी में पॉइंट बनाइए और लिखिए, क्या लिखिए, योजना आयोग। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजना आयोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो योजना आयोग है, पहले योजना बनेगा तभी तो वह लागू होगा ना। ठीक है, तो योजना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें समिति बनाना पड़ेगा, अर्थात योजना आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। यह गठन कब किया गया था प्यारे बच्चों, यह गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था।
अब योजना आयोग का गठन करने के बाद अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था, तो मेन कौन होता है, मेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो मेन अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? तो मेन अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री, अर्थात योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री आपको होता था, ठीक है। अब जो योजना आयोग में जो भी योजना बनता था, या तो एक वर्ष का बनता था या तो 5 वर्ष का, इस प्रकार से एक सीमित समय के लिए वह आपको बनता था, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से पॉइंटों को देखेंगे। आप लोग कॉपी में इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। योजना आयोग पॉइंट बना करके, योजना आयोग का जो प्यारे बच्चों जो आपको गठन है, यह गठन 5 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 5 मार्च 1950 ईस्वी को। यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, उसमें डायरेक्टली वर्ष रहेगा, तो उत्तर मार देना 1950 ईस्वी को हुआ, लेकिन डेट 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का क्या हुआ था, प्यारे बच्चों आपको गठन हुआ, ठीक है। अब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी आपका वर्ष 1950 में कई बार पूछा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, 1 जनवरी 1915, ठीक है, 1 जनवरी 1915, यहाँ पर मिस से 1915 लिखा गया, यहाँ पर होगा 2015, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो प्यारे बच्चों नीति आयोग, ठीक है। यानी जो नीति आयोग है, वास्तविक में पहले वो क्या था, आपका योजना आयोग ही था, तो योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके आपको नीति आयोग आपको कर दिया गया। इसको समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना? आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को आपको बदला गया। इसका समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? अब जो योजना, जो प्यारे बच्चों जो भी आपको योजना आयोग, योजना आयोग का काम क्या है प्यारे बच्चों? योजना आयोग का काम होता है योजना बनाना, चाहे वो 5 वर्ष का योजना बनाए, चाहे वो 1 वर्ष का आपको योजना बनाए। प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती दौर में जब आपको योजना आयोग का गठन हुआ, गठन कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों 1950 को, तो सबसे पहले योजना आयोग ने 5 वर्ष के लिए योजना बनाई। कितने वर्ष के लिए योजना बनाए? तो 5 वर्ष के लिए, अर्थात जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना है वह 5 वर्षों में ही प्राप्त करना है। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में, ठीक है। समय सीमा कितना रखा गया? तो प्यारे बच्चों 5 वर्ष आपको रखा गया, क्योंकि जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना है 5 वर्ष के अंदर प्राप्त करना है, इसलिए 5 वर्ष के लिए जो भी योजना बनाया गया उस योजना को हम लोग कहेंगे पंचवर्षीय योजना। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या हो गया कि यह योजना 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए है, तो प्यारे बच्चों 5 वर्ष के लिए है, ठीक है। यदि योजना को हम 1 वर्ष के लिए बनाएंगे तो वह योजना क्या कहलाएगा? तो 1 वर्षीय योजना। 1 वर्षीय योजना मतलब 1 वर्ष के लिए योजना है, 5 वर्षीय योजना मतलब कि 5 वर्षों के लिए आपको योजना है, ठीक है। योजना आयोग ने शुरुआती दौर में सबसे पहले 5 वर्षीय योजना को लाया। किसको लाया? 5 वर्षीय योजना को। प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम लोग पहले 5 वर्षीय योजना को जानेंगे कि आखिर 5 वर्षीय योजना क्या होता है, फिर हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। पहले हमें यह समझना है कि आखिर पंचवर्षीय योजना आपको क्या होता है। आप अपने कॉपी में भी इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत, पहले आपको बताया कि नियोजन क्या होता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी योजना बनाएंगे, ठीक है। तो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में 5 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? तो प्यारे बच्चों 5 वर्षीय योजना यानी 5 वर्ष के योजना का निर्माण आपको किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 5 वर्षीय योजना का अभिप्राय यानी मतलब, अभिप्राय का मतलब होता है, 5 वर्षीय योजना का अभिप्राय अगले 5 सालों के लिए देश के विकास से संबंधित, यानी देश के विकास से संबंधित लक्ष्य निर्धारण करना, किसको प्राप्त करना, तो लक्ष्य निर्धारण करना एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने से है, ठीक है।
लक्ष्य को निर्धारित करना एवं निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने से है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पंचवर्षीय योजना को समझने में कोई दिक्कत नहीं, आम भाषा में देखिए हम आपको समझाते हैं। जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो हमारा देश क्या था, तो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, तो गरीब था और जो और शुरुआती दौर में हमारा जो देश था कृषि प्रधान देश था, सभी लोग कृषि करते थे, इसलिए भारत के सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी कि हम लोग कृषि में किस प्रकार से विकास करें। तो कृषि में विकास करने के लिए मान के चलते हैं कि हमने एक पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। कितने वर्ष के लिए? पाँच वर्ष के लिए योजना। अब यह योजना पाँच वर्ष के लिए सीमित हो गया। इस योजना के तहत पाँच सालों में हम लोग कृषि पर क्या करेंगे तो जोर शोर से ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद हमारा लक्ष्य हो जाएगा इस योजना की मदद से कृषि में क्या हो तो विकास हो, जिससे फसल में वृद्धि हो जाए। अब फसल में जब वृद्धि हो जाएगा तो खाद्यान्न की समस्या दूर हो जाएगी, और जैसे ही खाद्यान्न की समस्या दूर हो जाएगी तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपको जो भी ठीक है जो भी भुखमरी है वो भुखमरी स्वतः आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम आपको जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना को हम आपको क्या करते हैं एक लाइन में लिख देते हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, एक एक करके हम आपको लिख देते हैं, फिर बाद में एक एक पंचवर्षीय योजना को हम डील करेंगे यानी बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड को हम आपको मिटा देते हैं। समझने में यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर समझने में मुझे दिक्कत आ रहा है। आज पहले से लिख दिए, इसका यह फायदा हुआ कि कम समय में काफ़ी ज़्यादा हम आप सभी को बता दिए, है कि नहीं तो इतना लिखते समझाते तो काफ़ी ज़्यादा समय आपको लग जाता। SPPD का यदि आपके पास बुक होगा तो SPPD के बुक में आपको दिया होगा योजनाएं। ठीक है, डायरेक्टली हम आपको योजनाएं ही लिखते हैं। ठीक है, एक चीज आपको समझाना है बस, इसीलिए योजनाएं यानी योजना आयोग के गठन के बाद सबसे पहले आया आपको पहला योजना। ठीक है, पहला एक मिनट पहली योजना आया था 1951 से 1956। ठीक है, इसको बस समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। दूसरी योजना 1956 से 1961। तीसरी योजना 1961 से 1966। ठीक है, फिर है चौथी योजनाएं हैं 1969 से 74। ये सारा का सारा योजना पंचवर्षीय योजना है, हम आपको ऊपर में लिख भी देते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय कौन सा है तो पंचवर्षीय है। ठीक है, चौथी, फिर आपका पांचवी योजना। ठीक है, 1974 से 1979। इसी तरह जाते जाते लास्ट आपको आता है बारहवीं योजना। ठीक है, जो 2012 से लेकर के 17 तक। अब आपको मुख्य तौर पर से प्यारे बच्चों इसी चीज को समझना है। किस चीज को? तो इस चीज को समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए योजना आयोग का गठन हो गया 1950 में, तो योजना आयोग ने
सबसे पहले क्या किया, योजना बनाया। योजना आयोग ने सबसे पहले योजना बनाया, 5 वर्ष का योजना बनाया। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अब 5 वर्ष का योजना आयोग ने योजना बनाया, इसलिए इसे हम पंचवर्षीय योजना हम इसको कहते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था, यह लागू हुआ था 1951 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को आपको लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि पंचवर्षीय योजना को पहली बार लागू किया गया, इसीलिए इसे हम पहली पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर तो मैं सिर्फ पहली योजना लिखा हूँ, तो इसे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना भी कहेंगे, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? तो प्यारे जो 1951 में आपको लागू किया गया। अब 1951 में लागू किया गया तो 5 आप जोड़ दीजिए, तो यानी 1951 से 56, यानी कि पहला जो पंचवर्षीय योजना जो आपको था वह 1951 से 1956 तक, ये क्या था? प्रथम पंच वर्षीय योजना, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको चला था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो प्यारे बच्चों, आपको जो जोर दिया गया था, लैटरली मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट करके हम आगे बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया। किस पर? तो प्यारे बच्चों, कृषि पर, सबसे ज़्यादा कृषि पर ही बल दिया गया। इसलिए कृषि पर बल दिया गया ताकि भूखमरी की समस्या दूर हो सके, ठीक है। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। अब कृषि पर इतना बल दिया गया कि हमारा उद्योग धंधा चौपट हो गया, यानी पूरे देश में उद्योग धंधा क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों, चौपट हो गया। इसलिए चौपट हो गया तो फिर पंचवर्षीय योजना 56 में तो समाप्त हो गया। अब जैसे ही समाप्त होता है, फिर आपको दूसरा पंचवर्षीय योजना आपको चालू होता है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चला, 56 से 61, तभी तो 5 पड़ेगा। 56 से 61 यह हो गया दूसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में प्यारे बच्चों किस पर बल दिया गया? तो प्यारे बच्चों, उद्योग पर बल दिया गया। किस पर? तो उद्योग, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर हमने बल दिया, इतना बल दिया कि उद्योग धंधा चौपट हो गया। इसलिए दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग पर बल दिया ताकि उद्योग काफ़ी अच्छा हो सके। अब उद्योग पर हमने इतना बल दिया कि हमारा क्या हो गया? हमारा कृषि चौपट हो गया। क्या हो गया था प्यारे बच्चों? कृषि चौपट हो गया। इसलिए फिर आपको आता है तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना आपको 61 से 66 तक चला, 61 से 66 हो गया तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरे पंचवर्षीय योजना पर आपको फिर से कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। किस पर तो बल दिया गया? तो प्यारे बच्चों, कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। उसके अलावा बिजली पर बल दिया गया, भूमि सुधार पर बल आपको दिया गया, ठीक है, और भी चीज़ों पर आपको बल आपको दिया गया, ठीक है, इस पर बल दिया गया। लेकिन जो असली जो खेला जो होता है, जो मेन गेम होता है, वो यहीं से आपको प्यारे बच्चों प्रारंभ होता है। अब जैसे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय समाप्त होता है, कब समाप्त होता है प्यारे बच्चों? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है 1966 में। कब समाप्त हुआ? 1966 में। अब जैसे ही 1966 में समाप्त होता है, सरकार को लगता है ये पंचवर्षीय योजना कोई काम का नहीं है, ये जो पंचवर्षीय योजना है कोई काम का नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा कि मैं इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समाप्त। इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना चला क्रम से, देखिए 56 तक पहला चला, तो 56 से 61 दूसरा चला, 61 से 66 तीसरा चला। तो नियम क्या था? चौथा आपको जो पंचवर्षीय योजना चलता वह 66 से चलता कि नहीं चलता। अब 66 से 71 तक आपको चलता, यानी चौथा पंचवर्षीय योजना होना चाहिए 1966 से लेकर के 1971 तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि मैं चौथी पंचवर्षीय योजना को नहीं लाऊंगा,
क्या करूंगा? नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं योजना तो लाऊंगा लेकिन वह योजना 5 वर्ष का ना हो करके वह कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का योजना होगा? तो प्यारे बच्चों 1 वर्ष का। इसलिए 66 के बाद जो आपको योजना जो लाया गया प्यारे बच्चों, वह 1 वर्षीय योजना लाया गया। आप लोग नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, 1966 के बाद जो भारत में जो योजना आया वह प्यारे बच्चों 1 वर्षीय योजना था। तो 1 वर्षीय योजना आपको कब तक था? तो प्यारे बच्चों देखिए 1966 तक ये तो कंप्लीट ही हो गया, 67 और 68 फिर 69, ठीक है, 67 68 69, यानी कि लगातार 3 वर्षों तक, ठीक है, लगातार 3 वर्षों तक एक एक पाँच वर्षीय योजना चला, यानी 5 वर्षीय योजना ना चल करके 1 वर्षीय योजना चला, 1 2 3 लगातार 3 बार चला। लेकिन 1 वर्षीय जो योजना जो था ये 5 वर्षीय योजना से भी काफ़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, यानी कि सरकार को 5 वर्षीय योजना ठीक नहीं लगा, उसके लिए 1 वर्षीय योजना लाया। लेकिन 1 वर्षीय जो प्यारे बच्चों योजना लाया वह और भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, यानी इस 1 वर्षीय से लाख गुना अच्छा कौन था? तो 5 वर्षीय योजना ही था। इसलिए सरकार ने क्या किया, इसलिए सरकार ने इस एक वर्षीय योजना को फिर से क्या कर दिया, इस 1 वर्षीय योजना को समाप्त करके फिर से 5 वर्षीय योजना लाया। फिर से क्या किया, फिर से 5 वर्षीय योजना लाया। चूँकि 69 तक आपको तो मान के चलिए कि 1 वर्षीय योजना था, 5 वर्षीय योजना फिर से लाया, तो इसलिए 69 से लेकर के 74 तक 5 वर्षीय योजना फिर से आया, ठीक है। चूँकि 5 वर्षीय योजना ये तो तीसरा बार था, इसलिए चौथा जो 5 वर्षीय योजना जो आया वह चौथा 5 वर्षीय योजना 1969 से 1974 तक हुआ, ठीक है, 1969 से 1974 तक हुआ। बीच में देखिएगा तो आपको 67 यानी 66 से 67 आपको गायब हो गया, 67 से 68 आपको गायब हो गया, और 68 से 69 आपको क्या हो गया, तो गायब हो गया। अब ये जो गायब जो हो गया, यानी कि जो आपका देखिए 5 वर्षीय का जो जो क्रम है, जो क्रम क्या हो गया, यानी एक क्रम टूट गया, यानी जैसे 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तो यहाँ पर 66 से शुरू होना चाहिए, होना कि नहीं चाहिए, शुरू होना चाहिए, लेकिन 66 का क्रम क्या हो गया, टूट गया। इसलिए इस अवधि को जो कि अवकाश रहा, यानी खाली हो गया 5 वर्षीय योजना को, तो क्या हो गया, खाली हो गया, इसलिए इस अवधि को आपको कहा गया अवकाश योजना। क्या कहा गया? अवकाश, अवकाश योजना आपको कहा गया। क्या कहा गया? अवकाश, यानी कि खाली पड़ गया, यानी जो 5 वर्षीय जो योजना है वो 5 वर्षीय योजना का क्रम टूट गया, इसलिए इसे 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 अवकाश योजना आपको कहा गया, यानी 5 वर्षीय का अवकाश योजना आपको कहा गया। फिर जाकर के चौथी 5 वर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 आपको चलता है, फिर पांचवी योजना 1974 से 77 आपको चलता है, और चलते हुए जो लास्ट आपका आता है 12वीं योजना, तो 12वीं योजना 2012 से लेकर के 2017 तक आपको चला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों योजना अवकाश क्या है, योजना अवकाश को समझने में अब आपसे पूछेगा कि योजना अवकाश क्या है, तो आप कहिएगा कि लगातार 5 वर्षीय 3 योजना चला, तो 3 5 वर्षीय योजना चलने के बाद क्या हो गया कि 5 वर्षीय योजना का क्रम टूट गया, जो क्रम टूट गया, जो खाली जगह हो गया, इसी खाली जगह को आपको योजना अवकाश आपको कहा गया, क्योंकि इस अवधि के दौरान 5 वर्षीय योजना ना होकर के 1 वर्षीय योजना आपको चला था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बस ध्यान देना है 5 वर्षीय योजना पर ध्यान देना है, और दूसरी 5 वर्षीय यानी कि प्रथम 5 वर्षीय योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, और द्वितीय 5 वर्षीय योजना को आपको पढ़ना है।
पहला को अच्छे से पढ़ लेना है, दूसरा को पढ़ लेना है, बाकी को हल्का फल्का देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं आता, सिलेबस में भी आपको नहीं है। सिलेबस में मात्र आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसी को हम आपको देख लेंगे। इसको देखने के बाद फिर हम लोग हरित क्रांति को देख लेंगे। हरित क्रांति को देखने के बाद फिर थोड़ा बहुत नीति आयोग को देख लेंगे। फिर आपका जो अध्याय है वो अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका समय भी है ना हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना को डिटेल से देखेंगे, दूसरे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, ठीक है। फिर कृषि बनाम उद्योग को हम लोग देखेंगे, फिर हरित क्रांति को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने के लिए देते हैं। यदि आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।